सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है और सहयोग योजना और एट्रोसिटीज से निपटने के लिए वेब पोर्टल की शुरुआत की और ऑनलाइन सभी तरीके के मामलों को सुना जाएगा। तो ऑनलाइन की इस पद्धति में आगे किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, अभी भी आपने कुछ चीज़ें ऑनलाइन की हैं? देखिए, मैं जब हम एक विजन को लेकर के सरकार में आए थे, एक बड़ी पीड़ा होती थी, कोई व्यक्ति ऑफिसों के चक्कर लगा रहता है, फाइलों में जूझता रहता है, इसलिए एक शुरुआत में आते ही मुख्यमंत्री जी ने एक इच्छा व्यक्त की जो सरकार का एक विजन भी था। हमने कहा कि किसी व्यक्ति को बहुत कम समय में उसके जो अपेक्षित चीज़ है उसका लाभ उसको मिलना चाहिए और इसको सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने, हम जब सरकार में आए तो उसके बाद तुरंत ये काम शुरू किया, ज़्यादा सब स्कीम्स को हम ऑनलाइन करें प्रक्रिया शुरू की। आज मैं कह सकता हूँ जिस समय आपके समय बात कर रहा हूँ शायद 13 स्कीम्स को ऑनलाइन कर चुके हैं हम। पेंशन को हमने ऑनलाइन कर दिया, स्कॉलरशिप को ऑनलाइन कर दिया, पालनहार को कर दिया, अनुप्रति योजना को कर दिया, दो स्कीम्स को आज आपके सामने हमने किया है। एट्रोसिटी से के संबंधित जितनी भी जो प्रिवेंशन और एट्रोसिटीज एक्ट में जितने भी केसेस रजिस्टर होंगे उसको ऑनलाइन किया और साथ साथ सहयोग और उपहार योजना इनको भी आज ऑनलाइन किया है। उद्देश्य केवल एक है, किसी भी व्यक्ति को हम अगर लाभ मिलना है तो तुरंत बिना किसी प्रक्रियात्मक चीज़ों में ज़्यादा उलझे हुए उसका लाभ तुरंत उसको मिल सके और उसके बैंक अकाउंट में उसका पैसा पहुंच जाए, सुनिश्चित हो जाए, इसको आवश्यक करना है। जैसे ऑनलाइन किसी भी प्रक्रिया को किया जाता है, लेकिन हम बात करें जमीनी स्थिति की, राजस्थान की बात की जाए, जिस तरीके का शैक्षिक स्तर राजस्थान का है, इससे कैसे हर इंसान को कैसे ऑनलाइन जोड़ा जाएगा? देखिए, उसमें जरूरी नहीं, अगर कोई व्यक्ति स्वयं करना चाहे तो स्वयं पोर्टल पर जा सकता है और खुद अपना फीड कर सकता है सारी इन्फॉर्मेशन को। जिसको जो आपने कहा, और किसी व्यक्ति के पास अगर ये सुविधा नहीं है या वो समझ के कारण नहीं जा सकता, या हम कह सकते हैं सहयोग योजना में कोई महिला अशिक्षित है तो वो भी इसका लाभ ले सकती है। ई मित्र पर जाकर के कोई भी व्यक्ति अपनी सूचनाएं सारी फीड कर सकता है और फीड करके अपने इस योजना का लाभ ले सकता है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से ऑनलाइन का प्रचलन बढ़ता जाएगा उससे कई हस्तक्षेप जो बीच में योजनाओं के बीच में आते हैं वो रुकेंगे, साथ ही भ्रष्टाचार पर जरूर कमी आएगी, लेकिन साफ तौर पर लोगों तक इसको पहुंचाना अभी एक लंबी प्रक्रिया सिद्ध होगी।